भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज लॉर्ड्स के मैदान में खेला जाएगा। इस मैच को जीतकर टीम इंडिया सीरीज भी यहीं जीतना चाहेगी और इसीलिए कप्तान विराट कोहली ने फिर से टीम में बदलाव कर दिया है और ये बदलाव आज टीम इंडिया की जीत पक्की कर देगा। तो आपको बताते हैं आज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या है। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग शिखर धवन और रोहित शर्मा ही करेंगे। पहले मैच में दोनों ने अच्छी शुरुआत दी थी, हालांकि धवन थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली रहे, मगर हिटमैन रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया और टीम को जीत दिलाकर ही लौटे। आज भी दोनों ही बल्लेबाजों से बड़ी उम्मीदें हैं। तीसरे नंबर पर कप्तान विराट कोहली आएंगे। पिछले मैच में विराट ने बेहतरीन पारी खेली थी। इसके बाद बात करें चौथे नंबर की, तो यहां पर केएल राहुल खेलने आएंगे। पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था, लिहाजा आज यहां उनके पास बड़ा मौका होगा। पांचवें नंबर पर फिर से सुरेश रैना ही खेलने आएंगे। रैना को भी यहां दमखम दिखाना होगा। वैसे T20 मैचों में रैना के खेल के बाद उनसे उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। छठे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे और निचले ऑर्डर पर धोनी कमाल कर सकते हैं। सातवें नंबर पर हार्दिक पांड्या का भी खेलना पक्का है। पांड्या भी डेथ ओवर्स में बड़े हिट्स लगा सकते हैं और बॉलिंग में तो अब वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बात करते हैं आठवें नंबर की, तो यहां पर कुलदीप यादव खेलेंगे। कुलदीप के साथ उनके जोड़ीदार युजवेंद्र चहल नवे नंबर पर आएंगे। बात करें दसवें नंबर की, तो यहां पर एक बदलाव होगा। जी हां, पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सिद्धार्थ कौल को बाहर बैठना होगा। वो इसलिए क्योंकि भुवनेश्वर कुमार की चोट अब ठीक हो चुकी है, भुवी की टीम में वापसी होगी और इसीलिए सिटकॉल को बाहर बैठना होगा। उमेश शुरुआती ओवर्स में विकेट्स निकालने में माहिर हैं। तो यह है आज के मैच के लिए भारत की फाइनल प्लेइंग 11। टीम को लेकर अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।